लोगों ने जो अभी तक चर्चा किया है उसको अगर इस स्लाइड में देखें तो एक मास्टर स्लाइड है जो लगभग मैं हर रोज आपके सामने रखूंगा, जिससे हम लोग की दिशा बनी रहेगी। तो हम लोगों ने मूल चाहना के रूप में जो पहचाना वो तो यही पहचाना कि मानव के जो मूल चाहना है वो मानव की जो मूल चाहना है वो सुख और समृद्धि है, और संगीत में जीना ही सुख है। और इस सुख समृद्धि के निरंतरता को जो सुनिश्चित करने का हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने पहचाना। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने बेसिकली जस्ट अ मिनट जी, मैं स्लाइड को थोड़ा रन कर लूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ जी, तो मानव की जो मूल चाहना है उसको हम लोगों ने सुख और समृद्धि के रूप में पहचाना, ये, और सुख को पहचाना व्यवस्था में संगीत में जीना ही सुख है। अब प्रश्न ये है कि सुख पूर्वक जीने का कार्यक्रम क्या होगा? तो कार्यक्रम क्या होगा? तो ये चार स्तर की व्यवस्था है जिसमें हम जी रहे हैं, मानव में व्यवस्था, परिवार, समाज, प्रकृति में व्यवस्था। ये चारों स्तर की व्यवस्था को समझना और उस व्यवस्था में जीना, ये हमारे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम है, क्योंकि इन चारों जगह हम व्यवस्था में जीना चाहते ही है। चारों जगह व्यवस्था में जीने की सहज स्वीकृति हम में है ही। अगर ये व्यवस्था की स्पष्टता हमको होती है, इसकी समझ हमको होती है, तो हम ऐसा जीने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे जी भी पाते हैं। तो इस चारों स्तर की व्यवस्था को समझना ये पहला कार्यक्रम, और समझने के साथ साथ ऐसा जीना ये साथ साथ दूसरा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है हमारे लिए निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने का। प्रक्रिया क्या है समझने और जीने का? तो ये जांच परख की प्रक्रिया है। जो भी कहा जा रहा है इन चारों के बारे में वो हमारे लिए प्रस्ताव है। हम सहज स्वीकृति से इसको जांच के देखते हैं, जी करके देखते हैं, उभय सुख हो रहा है, उभय समृद्धि हो रहा है कि नहीं, इसको भी देखते हैं। इस प्रक्रिया से इस चारों स्तर की व्यवस्था को समझते हैं और जीते हैं। तो तीन बातें हम लोगों ने अब तक की हैं, मानव के मूल चाहना, सुख समृद्धि और उसकी निरंतरता, उसको पूरा करने का कार्यक्रम, संपूर्ण जो मानव के जीने का फैलाव चार स्तर पर है उसको समझना और जीना, समझने और जीने की प्रक्रिया ये है। तो हम लोगों ने लक्ष्य, कार्यक्रम और लक्ष्य है ना, और जीने का कार्यक्रम और प्रक्रिया, ये तीन मुद्दों पे बात की। आज हम लोग जो चर्चा शुरू करेंगे वो मानव में व्यवस्था पर, कल परिवार व्यवस्था पर, और उसके अगले दिन आने वाले दिनों में समाज और प्रकृति की व्यवस्था पर। तब इस पूरे कार्यशाला का ये विषय वस्तु होगा। तो आज हम लोग मानव में व्यवस्था पर चर्चा को शुरू करेंगे, और कल से हम लोग परिवार में व्यवस्था पर बात करेंगे। ठीक, तो मानव में व्यवस्था पर बात शुरू करते हैं। तो मानव में अगर देखें ना, तो हमारी आवश्यकताएं का अगर अध्ययन करने जाए तो वो दो तरह की है। तो जैसे सम्मान भी एक आवश्यकता है, भोजन भी एक आवश्यकता है ना, विश्वास भी एक आवश्यकता है, कपड़ा भी एक आवश्यकता है, घर भी एक आवश्यकता है, स्नेह भी एक आवश्यकता है, सुविधा भी एक आवश्यकता है, सुख भी एक आवश्यकता है। तो अगर आप देखें तो हम अपनी आवश्यकताओं को दो भाग में बांट सकते हैं, सम्मान, स्नेह है ना, विश्वास, सुख, ये एक तरह की आवश्यकता है। भोजन, कपड़ा, घर, गाड़ी, ये दूसरे तरह की आवश्यकता है। ये भोजन, कपड़ा, घर, गाड़ी, ये दूसरे तरह की आवश्यकताएं हैं, ये बॉडी से जुड़ी हुई आवश्यकता है ना। और सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, सुख, ये सब स्वयं की जुड़ी हुई आवश्यकता है ना। तो अगर हम अपनी आवश्यकता को देखें तो ये दो तरह की है, स्वयं से जुड़ी हुई आवश्यकता है ना, ये स्वयं से जुड़ी हुई आवश्यकता, और शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता। तो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता जैसे भोजन, कपड़ा, गाड़ी, घर इत्यादि, स्वयं से जुड़ी हुई आवश्यकता सम्मान, विश्वास, स्नेह, ममता, सुख,
इत्यादि। क्या हम अपने में दो तरह की आवश्यकता को देख पाते हैं? और अगर इन दोनों आवश्यकताओं का और अध्ययन करें तो पता लगता है कि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं ना, ये सामायिक आवश्यकता है। भूख लगेगा तो भोजन चाहिए, ठंड लगेगा तो स्वेटर चाहिए, है ना, तो सामायिक आवश्यकता है। स्वयं की जो आवश्यकता है ये निरंतर है। हम ऐसा नहीं कहते भूख लगा अब सम्मान लाओ, भूख लगा है अब विश्वास लाओ, क्योंकि सम्मान हमारी निरंतर आवश्यकता है, सुख हमारी निरंतर आवश्यकता है जो कि बनी रहती है। सुविधा हमारी सामायिक आवश्यकता है, समय समय पर बदलती रहती है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, अब हो गया पूरा अब नहीं चाहिए। इसमें कभी नहीं कहते कि बस हो गया पूरा विश्वास अब नहीं चाहिए, इसमें कभी नहीं कह सकते कि हो गया सम्मान अब नहीं चाहिए। यह कहते हैं कि भाई हो गया भोजन की आवश्यकता पूरी, अब 4 घंटे बाद चाहिए, जाड़ा खत्म हो गया अब अगले साल चाहिए। तो ये सामायिक आवश्यकता है, ये निरंतर आवश्यकता है। थोड़ा और ठीक से अध्ययन करें तो पता चलता है कि जो शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता है ना, वो मात्रात्मक है, मात्रा में सीमित है। हम उसकी जांच परख, उसका नाप तोल सब कर सकते हैं। तो हम आप कह सकते हैं ना कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 रोटी चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, 1 दर्जन केला चाहिए, ये सब मात्रा जोड़ सकते हैं शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकता में। लेकिन मैं से जुड़ी हुई आवश्यकता में जब बात होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 किलो विश्वास चाहिए, 1 लीटर सम्मान चाहिए, 0.5 लीटर स्नेह चाहिए, ये सब नहीं हो सकता नाप तोल इसमें। ये भाव है जो कि गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। ये दूसरे उसको हम ठीक से देख सकते हैं, उस अंतर को अलग अलग करके तब इसको आप जांच के देख सकते हैं कि ये दोनों तरह की आवश्यकताएं हमको है या नहीं, या सिर्फ एक ही तरह की आवश्यकता है, है ना। इस पर आप लोगों के विचार आमंत्रित है जी। तो आरपी भैया, हम लोग इस पर पोल भी ले लेते हैं और साथ साथ कुछ लोगों से इस पर बात भी कर लेते हैं। एक पोल भी है कि शरीर की आवश्यकता और मेरी आवश्यकता दोनों अलग अलग है, आप लोग उसके अपना रिस्पॉन्स है। अंशुमान शर्मा जी ने हैंड रेस किया है, अंशुमान जी है, अमिता दीदी, अंशुमान भी है और अमिता दीदी। हाँ सर, जी सर, नमस्कार सर, मैं बोलूं तो। हाँ हाँ, अंशुमान जी को सुन लेते हैं फिर अमिता दीदी को, दोनों लोग माइक ऑन है, दोनों लोगों से बात। दीदी भी माइक ऑन कर ले, दोनों लोगों से साथ साथ बात करेंगे जी सर। जी जी, तो पहले अंशुमान जी बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने क्लियर किया, मैं की आवश्यकता और स्वयं की आवश्यकता जी। तो ये दोनों आवश्यकताएं आपको, आप लोगों को अलग अलग दिखती है कि अलग अलग है? तो यही मैं बोला कर रहा था कि तो मैं एक समय के संख्या के बाद, लेकिन जो स्वयं की आवश्यकता होती है जो मात्रात्मक और गुणात्मक है, ये मुश्किल ये पूरी नहीं हो पाती और ये क्या करती है, उभय सुख में भी बाधक बनती है। जैसे मैं पैसे कमाता हूँ तो पैसे कमाने की जो आवश्यकता मैंने अपनी अनलिमिटेड कर रखी है, तो मैं भ्रष्टाचार से भी फिर पैसे कमाऊंगा, भ्रष्टाचार से मैं पैसे कमाऊंगा तो दूसरे का जो उभय सुख है वो बाधित होगा। उसके बाद फिर मैं अगर मकान खरीदता हूँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो उसमें मकान की रेट बढ़ाता हूँ, तो जिसको जरूरत है वो मकान वो नहीं खरीद पाता, तो वहां भी मैं उभय सुख में बाधक बनता हूँ। तो मैं अपनी आवश्यकता अनावश्यक रूप से बढ़ा लेता हूँ और उसको अपनी आवश्यकता मानता हूँ, क्योंकि मुझमें वो समझ नहीं है, मुझमें वो अकल नहीं है, और इस तरह से मैं उभय सुख में दूसरों को बाधित करता रहता हूँ। और अपने भी दरिद्रता का भाव बना रहता है, क्योंकि जो मात्रात्मक है सीमित मात्रा में है, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो कितना भी घर में हो जाता है कमी और दुख बना ही रहता है निश्चित तौर से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर अगर आ गया कि जितनी मुझे आवश्यकता है उतना चाहिए, तो सब बिगड़ जाएगा पूरा हिसाब किताब। नहीं, आपने जो दूसरी बात कही, क्या कही उसको दोबारा से कह ले। अगर मैं अपनी, जैसे आपने मुझे बोला था ना कि जितनी आवश्यकता है उतना आप कर लो, आप ये बोले ना अपनी आवश्यकता पहचान के कर लो जी। तो मैं जितनी आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता मेरे स्वभाव के अनुसार है, मेरा स्वभाव ये है मैं तो करोड़ों रुपए कमाऊं, बहुत सारे मकान हो, भ्रष्टाचार से कमाऊं, इस तरह की मेरी सोच है, इस तरह का मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैंने अपने जो दूसरे लोग हैं उनसे भी। एग्जैक्टली, अब मैं उसको और थोड़ा ठीक से स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं उभय सुख में बाधक बन जाता हूँ समाज के, इस तरह जी, उभय सुख के भी और अपने सुख के भी। अगर मैंने अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक नहीं पहचाना, है ना, और आवश्यकता को ठीक ठीक क्यों नहीं पहचान पाता हूँ,
क्योंकि मैं अपनी आवश्यकताओं को अलग अलग करके नहीं देख पाता कि कौन सी आवश्यकता शरीर की है और कौन सी आवश्यकता स्वयं की है। तो आवश्यकता जैसे सम्मान स्वयं की है, और अगर मैं कपड़े से सम्मान को सुनिश्चित करने को जाऊंगा तो कितने कपड़े चाहिए स्वयं को सम्मान को कंटिन्यूटी में सुनिश्चित करने के लिए, कभी तय नहीं हो सकता। अगर मैं बड़े घर से सम्मान को सुनिश्चित करने जाऊंगा तो ये कभी नहीं सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि सम्मान स्वयं की आवश्यकता है, और ये जो पूरा होता है ये तो सही समझ और सही भाव से पूरा होता है ना। तो सम्मान स्वयं की आवश्यकता है जो किससे पूरा होता है, सही समझ और सही भाव से, जबकि सुविधा शरीर की आवश्यकता होता है जो पूरा होता है किससे, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से, है ना। तो वो जो झंझट है ना जो आप बता रहे हैं, वो झंझट इसी कि सुविधा से जो पूरा होना है वो तो शरीर की आवश्यकता पूरी होनी है, इस सुविधा से अब अगर मैं प्रयास करूं स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने का तो ये गलत कनेक्शन है। ये जो पूरा होगा वो तो सही समझ और सही भाव से पूरा होगा। तो ये बात स्पष्ट न होने के कारण मैं अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को सुविधा से पूरा करने के प्रयास में लग जाता हूँ, जिसके कारण चीजें उलझ जाती है ना। ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन ही चीजों को फंसा देता है ना। तो आप कितने कपड़े अपने पास जुटाएं कि सम्मान हो जाएगा। सर मैं यही फिर वही आऊंगा, ये सही समझ और ये सही भाव, ये कैसे आएगा जी? तो सही समझ से सही भाव आएगा, पहली बात तो ये। सही समझ कैसे आएगा, तो हमको क्या सहज स्वीकार है अपने में, इसको जांचते रहे अपने बारे, परिवार के बारे, सम्मान के बारे, समाज के बारे, प्रकृति अस्तित्व के बारे, जितना हम अपनी सहज स्वीकृति को पहचान पाएंगे इन चारों जगहों पर, वही हमारे लिए सही समझ है। सर अब मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपने सहज स्वीकार बोला, सहज स्वीकार भी ये अपने अपने संस्कार पर डिपेंड करता है। अब जैसे किसी के लिए मांस खाना सहज स्वीकार है, क्योंकि वो घर में मम्मी पापा खाते हैं, पूरा उनका समाज खाता है, सोसाइटी खाता है, लेकिन दूसरे के लिए ये समस्या है सहज स्वीकार, वो कहते हैं कि मांस नहीं खाओ। तो अब दो तरह के अंशुमन जी हमने प्रयोग किया था, एक प्रयोग किया था आपको ध्यान होगा सहज स्वीकृति, और एक शब्द प्रयोग किया था स्वीकृति जी, ध्यान में होगा आपको। सामान्यतः जो झंझट होता है जब हम सहज स्वीकृति को सहज स्वीकृति जब मानने लग जाते हैं ना, तब समस्या ये आती है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि किसी की स्वीकृति, आपकी स्वीकृति अलग हो सकती है, मेरी स्वीकृति अलग हो सकती है, लेकिन सहज स्वीकृति तो दोनों की एक जैसी होती है। उदाहरण के तौर पर जो बात आप कह रहे हैं है ना, कि आप किसी की स्वीकृति मांस खाने की हो सकती है, किसी की स्वीकृति मांस खाने की नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन अगर पूछे कि हम क्या खाना चाहते हैं जिससे शरीर का पोषण हो कि शोषण हो, क्या सहज स्वीकार है, शरीर का पोषण करना कि शोषण करना, पोषण करना, पोषण करना, ये सबका एक जैसा आएगा है ना। लेकिन अब वो पोषण कैसे हो, रोटी खा के हो, दाल खा के हो, चीनी खा के हो, मीठा खा के, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन पोषण करना सहज स्वीकार है, ये सबका एक जैसा है ना। और जहां तक मांस के संदर्भ में प्रश्न है ना, उसको भी अपने से पूछ के देख सकते हैं, किसी के शरीर को बलपूर्वक छीन के खा के शरीर का पोषण करना हमको सहज स्वीकार है क्या? नहीं। लेकिन छोड़ दें, जांच करें इसकी। तो इन सब बातों पे ठीक से जांच परख हो सकती है ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कई बार हम स्वीकृति को क्या मान लेते हैं, सहज स्वीकृति, तब झंझट खड़ा हो जाता है। तो स्वीकृतियां दुनिया में लोगों की भिन्न भिन्न हो सकती हैं, दबाव के कारण, प्रभाव के कारण, वातावरण के कारण, ट्रेनिंग के कारण, है ना। लेकिन फिर भी सहज स्वीकृति तो निश्चित बनी रहती है सब में। लेकिन सर एक बार फिर भी मैं ये कहूंगा, जैसे सहज स्वीकृति है ये संस्कार और वहां के धर्म उस पर भी डिपेंड करती है, तो जो सहज स्वीकृति तो सबकी जांच परख जारी रखें, इसकी जांच परख जारी रखें, अभी बहुत जल्दी इस निष्कर्ष को एक्स या वाई निष्कर्ष, किसी भी निष्कर्ष को बहुत जल्दी ना बनाए, है ना। ये थोड़ा बड़ा निष्कर्ष है जिंदगी का, समय लेना चाहिए अपने को, तो थोड़ा जांच जारी रखिए, जिसमें भी आपको लगे कि ये सहज स्वीकृति लोगों की भिन्न भिन्न हो सकती है, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे उस पर। हाँ, स्वीकृति भिन्न भिन्न हो सकती है, और कई बार हम स्वीकृति को सहज स्वीकृति का नाम देकर के उसको कंफ्यूज होते रहते हैं, तो वो समय लगता है, बारीकी है वो, है ना, मैं समझता हूँ उसको, तो उसकी जांच परख हम जारी रख सकते हैं।
लौट लौट के उस पर बात करते रहेंगे, है ना जी, तो जांचते रहे। तो ये बात तो तय हुआ कि सही समझ जो है चार स्तर की व्यवस्था की स्पष्टता सही समझ है, उसमें जितना हम सहज स्वीकृति को देख पाते हैं उतनी व्यवस्था स्पष्ट होती है, और जितना स्पष्ट होता है उतना हमें भाव सुनिश्चित होता जाता है। तो सही समझ सही भाव से स्वयं की आवश्यकता पूरी होती है ना। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से स्वयं की आवश्यकता नहीं पूरी होती, बल्कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं से शरीर की आवश्यकता पूरी हो सकती है, है ना। तो कपड़ा से शरीर सुरक्षित होगा, ये जो हमने अपेक्षा लगा ली है कि कपड़ा से सम्मान होगा, नहीं, अब ये कनेक्शन गलत हो गया। यहाँ अब कितना कपड़ा चाहिए हमको, तो किसी ने सुबह कहा था कि भाई हमने बचपन में सोचा था 365 कपड़े हर रोज एक, तब ये शरीर की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि सम्मान को उससे जोड़ लिया। सम्मान, अच्छा उसमें भी अगर आप प्रश्न को थोड़ा और बढ़ा दें कि कॉलेज में 5 लेक्चर 7 लेक्चर है, तो एक ही लेक्चर में सम्मान चाहिए कि हर लेक्चर में सम्मान चाहिए, सारे लेक्चर, तब तो हर लेक्चर में कपड़ा बदल के जाना पड़ेगा तो झंझट फंस गया है ना। और कपड़े के कारण वास्तव में लोग हमको सम्मान दे रहे हैं कि ध्यान दे रहे हैं, क्या लगता है? अगर हमारे डिजाइनर और आकर्षक कपड़े के कारण लोग हमारी तरफ देख रहे हैं तो वो सम्मान दे रहे हैं कि हमारे पे ध्यान दे रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं सर, ध्यान दे रहे हैं, है ना। और ध्यान देने के बाद उनको हमारा व्यवहार कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, तो वो ध्यान सम्मान में बदलेगा कि विरोध में भी बदल सकता है? विरोध में भी बदल सकता है, विरोध में भी बदल सकता है। अभी झंझट क्या हो गया है, लोग जब हमारी तरफ देखने लगते हैं तो ऐसा लगता है सम्मान मिल रहा है, सम्मान नहीं है, ये तो मात्र ध्यान मिल रहा है। और ध्यान सम्मान में भी कन्वर्ट हो सकता है और अपमान में भी, अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, समझ ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे कनेक्ट होता है कि सम्मान तो सही समझ सही भाव पे निर्भर करता है, क्योंकि उसी से मेरा व्यवहार तय होता है, उसी को देखकर दूसरा मेरे बारे में सम्मान या अपमान का निष्कर्ष बनाता है। ये भौतिक रासायनिक वस्तुएं शरीर के लिए तो आवश्यक है, इससे सेल्फ की जो आवश्यकता है सम्मान की वो पूरी नहीं हो सकती। बताइए सर, हम कुछ बोले? जी जी सर, बहुत डीप बात बोली सर आपने। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, टाइम वाला, ये इस पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि ये जो निरंतर और टेम्पररी जो आपने दो चीजें जोड़ी हैं, तो हम ये जो दोनों को उल्टा कर देते हैं, हम ये फूड और ये सुविधा और कपड़े वगैरह इसको सोचते हैं ये निरंतर है, और आपका जो ये सम्मान है ये सब ये टेम्पररी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप मतलब अपनी एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमको कि कौन लॉन्ग टर्म चलेगा और कौन मतलब टेम्पररी है, उस हिसाब से अपना अगर जीवन बनाएंगे ना सर तो काफी अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत ही गहरा निष्कर्ष आपने निकाला है अमिता जी, मैं उस पर आगे बात भी करना चाह रहा था कि आदमी की दोनों ही जरूरतें हैं, है ना। जैसे हम किसी के घर जाए वो हमको भोजन तो दे लेकिन सम्मान ना दे, चलेगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और सम्मान दे किंतु भोजन ना दे, ये चल सकता है सर, थोड़े समय चल सकता है, लेकिन दो चार दिन रहना पड़े तो ये भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये भी। तो चाहिए तो दोनों, है ना, ये समय समय पर जब जब भूख लगे, और ये तो निरंतरता है ना। इसको थोड़ा और एक उदाहरण से देता हूँ। हम किसी के घर खाना खाने गए, उसने बहुत सम्मान पूर्वक हमको रिसीव किया, बढ़िया से भोजन बनाया और भोजन सम्मान के साथ परोसा, हम खाने लग गए, कोई सब जो बहुत स्वादिष्ट थी खत्म हो गई, जल्दी खा ली हमने, हमने कहा थोड़ा और ले आओ, है ना। वो अगली बार लेके आया, देखे हमारी तरफ खिसका दिया, लग रही तो लो खाओ अब ये जो और लो खाओ धक्का देके खिसका दिया, अब सब्जी खाने में पहले जैसा ही मजा आएगा या खाने का मन नहीं करेगा? नहीं करेगा मन सर, जबकि सब्जी तो वही है, फिजिकल कंपोजिशन में केमिकल कंपोजिशन में तो कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल नहीं है बदलाव। क्या हुआ, ये जो सम्मान वाला भाव था वो मिसिंग। तो जरूरत दोनों, है ना, एक टेम्पररी और एक कंटिन्यूअस परमानेंट। लेकिन आपने जो बात ध्यान दिलाई कि महत्वपूर्ण है कि जो टेम्पररी चीज है हमारा फोकस उस पे ज्यादा हो गया है, उस पे ज्यादा हो गया सर, और जो कंटिन्यूअस चीज है उससे हम इग्नोर करते जाते हैं। इस कारण परिवारों में समस्याएं बढ़ती चली जा रही, समाज में भी समस्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि पूरा दोनों को करना है सर। परिवार और समाज के साथ साथ सर खुद में भी समस्या बढ़ रही है ना, जैसे अभी कॉलेज जाना है तो हम सोच में पड़ जाते हैं आज क्या पहने, ये नहीं सोचते सर कि आज क्या पढ़ाएंगे
जी, और ये आज क्या पहने, शरीर को सुरक्षा को ध्यान में रख के सोचते हैं कि लोग नहीं, दूसरों को इम्प्रेस करने देंगे, के उसको लिए सोचने लग जाते हैं। हाँ, दूसरों का सोच के सर। अच्छा, दूसरों का सोच के पहन के गए, हम ही खाली ऐसा हाँ, पहन के आए कि बहुत सारे लोग इसी आधार पे पहन के आते हैं, फिर दूसरे भी सर पहन के आ जाते हैं ना उस हिसाब से, फिर वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, तो हम तो जा रहे हैं कि दूसरे हम पर ध्यान देंगे, वो भी यही सोच कर आए हैं कि बाकी उन पर ध्यान देंगे। अब ध्यान हाँ, देने वाला तो कोई है नहीं, सब ध्यान का ही ध्यान का की मांग रहे हैं एक दूसरे से, एग्जैक्टली सर। तो ज्यादातर देखेंगे तो लोग आसपास खड़े होके वो डिजाइनर कपड़े पहनकर दूसरा उस पर ध्यान दे दे इसी प्रयास में लगे हैं, ध्यान हाँ, देने का प्रयास कोई कर नहीं रहा है, तो मिल पाता नहीं है। हाँ सर अच्छा, थोड़ा और इसको देखिए तो और पता लगेगा। जैसे किसी जी, पार्टी में कोई गया खूब बढ़िया है ना, हाँ 10-20 हजार का एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन करके, है ना, जो पार्टी में बिल्कुल अलग दिख रहा है, सब देखने लग गए एकदम उसकी तरफ, क्या होता है? जितने लोग उस एक्सक्लूसिव ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं, क्या सबके मन में सम्मान का भाव आता है या बहुतों के मन में द्वेष भी आ जाता है? ईर्ष्या जलन भी आती है सर, और कंपटीशन का भाव भी आ जाता है किसी किसी के। वही तो, सम्मान ज्यादा लोगों के मन में आता होगा या इससे द्वेष ज्यादा लोगों के मन में आ जाता होगा? नहीं, सम्मान सर, सम्मान मुश्किल है, आता होगा कि नहीं, बट तो अब आप देखिए ना, आदमी 20-25 हजार खर्चा कर रहा है, 4-6 घंटे मार्केटिंग में लगा रहा है, 2-4 घंटे घर में पहनने उसमें लगा रहा है, किस लिए? कि और सब पैदा क्या हो अट्रैक्ट रहा है? होंगे, सम्मान करेंगे। हाँ, हाँ, और कोई पैदा नहीं क्या कर हो रहा रहा है। है? और पैदा हो रहा है द्वेष, है ना। तो धीरे धीरे हाँ, ये सब चीजों का जब एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि भौतिक सुविधाओं से, कपड़े से, कार से लोगों का ध्यान तो पाया जा सकता है, लेकिन वो ध्यान सम्मान में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तो हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं है, तो वही ध्यान अपमान में बदल जाता है। कोई भी बच्चा अपने पिताजी या माताजी का सम्मान इसलिए नहीं करता कि वो बहुत बड़ी गाड़ी से उतर के आ रहे हैं, है ना, और सम्मान इसलिए करता है कि वो उसके साथ जिम्मेदारी से जी रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए सम्मान करता है ना। कोई भी हाँ मित्र है, सर, दूसरे मित्र का सम्मान इसी आधार पे करता है कि हम वो उसके साथ जिम्मेदारी से जी रहा है, कितनी बड़ी गाड़ी से उतर रहा है उसके कारण थोड़े देर आकर्षित हो सकता है, हाँ, लेकिन वो सम्मान में बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो जांच तो जरूरी है। नहीं? तो अभी देखेंगे ना, तो जिंदगी का लूप इसी जगह फंस गया है कि हम भौतिक सुविधा से सम्मान की आवश्यकता पूरा करने के प्रयास में लग गए हैं और वो पूरा किसी का होता नहीं आज तक। लोग 5-5 हजार जोड़ी कपड़े रखे हैं अपने पास। सुना होगा आपने, एक बार जो है कोई बहुत बड़े एक्टर जो पॉलिटिक्स पे चली गई थी, जब छापा पड़ा तो 5 हजार जोड़ी कपड़े निकले उनके पास, साड़ियां निकली। अच्छा। अच्छा, 5 हजार जोड़ी में से कोई जोड़ी, कोई साड़ी निकाल के पहनना है, कितना कठिन काम सोचता हूँ जो मुख्य कार्य है वो तो सर पीछे छूट गया, और ये एक्स्ट्रा काम और बढ़ गया। जिंदगी जो है कैसे उलझ जाती होगी। सही है सर। तो कोई कह रहा था हमको कि उसको खुद सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है, वो 2 आदमी रख देगा, वो सेलेक्ट करके देगा। तो फिर तो आपका सिलेक्शन भी नहीं रहा उसमें। हाँ, फिर क्या मतलब है इतना सब स्टोर करने का। लेकिन देखेंगे तो सारा स्टोरेज जो हम कर रहे हैं और आवश्यकता को नहीं पहचान पा रहे हैं ना आज के दिन, उसका मूल कारण यही है कि हम अपनी आवश्यकताओं को 2 भाग में करके देख ही नहीं पाते हैं कि कौन सी बॉडी की है, कौन सी सेल्फ की है। और आवश्यकता होती है बॉडी की और उससे हम पूरा करने में लगा देते हैं सेल्फ की। जैसे गाड़ी, गाड़ी किसकी आवश्यकता हुई? वो बॉडी की है, टेम्परेरी बॉडी की। अब हम गाड़ी से सेल्फ की आवश्यकता है। पूरा करने लग जाए कभी नहीं होगा। हाँ, हर 6 महीने बाद, साल भर बाद आप गाड़ी बदलते रहिए, कभी सम्मान फील नहीं होता है, सही है सर। है ना। बढ़िया जी। तो इतनी हाँ, बात धन्यवाद करना सर। जी। हाँ जी अमिता जी, बढ़िया जी। अंशुमान जी, कुछ और कहना चाहते हैं? जी नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा सर। जी, बढ़िया बढ़िया। तो माइक आप ऑफ कर सकते हैं, किन्हीं और लोगों से बात कर सकते हैं हम लोग इस पर? चलो जी, आरपी सिंह जी, किन्हीं और लोगों के भी प्रश्न ले सकते हैं? जी नमस्कार सर।
नमस्ते विजय जी। हाँ विजय जी, अतुल जी, अर्चना जी, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, तीनों लोग से इकट्ठे बात करेंगे वन टू वन। हेलो जी 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 विजय जी से बात कर लेते हैं, आप माइक ऑन ही रखिएगा तो आपसे भी बीच में बात करेंगे। जी विजय जी, पर मैं ये बात रखना चाह रहा था कि अधिकांशतः हम लोग किस अपने सामान्य जो अपनी कार्य क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं और पदों के साथ भी जुड़ते हैं, तो वहां पर जुड़कर हमें लगता है कि संस्था के जो कार्य हैं उनके जुड़ के भी एक जो पहचान सामने आती है, तो उसको हम किस नजरिए से देखना चाहिए। तो जी, तो किसी भी संस्था उनके कार्य जैसे वो तो हमने देखा है कि ना देश भर में काफी कुछ चल रहा है, लेकिन वो कि जो जो दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया, ऐसा भी कुछ कुछ सामने दिख रहा है, तो फिर किस तरीके से उसको अपन एक विजन कैसे होना चाहिए। तो अभी ठीक से देखेंगे ना, तो उस कार्य को हम आपके यहाँ शायद ना दो माइक इनेबल हैं क्या विजय जी? मेरे यहाँ नहीं, मैं बंद कर देता। अर्चना किसी के यहाँ तो है शायद। हाँ ठीक है विजय जी, अनम्यूट कर लें, आप रिस्पॉन्ड करिए। तो हाँ नहीं, विजय जी का शायद नहीं था, किसी और के यहाँ था, तो विजय जी की माइक को ऑन कर दें, हम लोग उनसे बात करें। विजय भैया आप अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट कर लें विजय जी का। हाँ जी विजय जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके यहाँ इको हो रहा है विजय जी। हाँ इको आपको भी आ रहा है? हाँ भैया मुझे भी आ रहा है, तो भैया जब अपनी बात कहेंगे ना तो हमको फिर ये ऑन कर देंगे। ठीक, तो विजय जी के प्रश्न के संदर्भ में इनका प्रश्न ये था कि बहुत बार हम किसी सामाजिक कार्य को भी करते हैं तो उसके साथ अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं, है ना। तो अभी ठीक से देखें ना, तो ये जो सम्मान को जब ठीक से नहीं समझते, है ना, कि सम्मान का मतलब क्या है, है ना, ये सम्मान का मतलब क्या है, तो सम्मान का एक मतलब ये हो सकता है कि हम दूसरों से विशेष हैं, दूसरे जो नहीं कर पाते वो हम कर पाते हैं, हम दूसरे से विशेष हैं, इसको भी सम्मान मान सकते हैं। और सम्मान का एक प्रस्ताव ये भी हो सकता है जिसके बारे कल चर्चा करेंगे कि दूसरा भी मेरे जैसा है, हमारी और उसकी योग्यता में और अवसर में कुछ अंतर हो सकता है, तो योग्यता और अवसर में जो अंतर है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने का अवसर है, परस्पर पूरकता का अवसर है, है ना, जबकि वो लोग भी मेरे जैसे ही है, तो दूसरा भी मेरे जैसा है। अगर ये बात स्पष्ट होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा है, अंतर हो सकता है तो योग्यता में या हमको अवसर मिलने में, तो जब ये बात स्पष्ट होती है तो हम जो सामाजिक भागीदारी भी कर रहे हैं ना, वो एक जिम्मेदारी के तहत कर रहे हैं, एक परस्पर पूरकता के निर्वाह करने के अर्थ में, है ना। लेकिन अगर सम्मान को हम ये मान लेते हैं कि भाई पहचान पाना ही सम्मान है, लोग हमको पहचानने लगे, है ना, उसके तहत जब कर रहे होते हैं तो पहचान का एक प्रयास होता है, उसमें घुटन बहुत होती है। अगर किसी दूसरे का पहचान ज्यादा बढ़ने लगा, हमारा कम बढ़ रहा है, है ना। तो अगर सम्मान को ठीक से नहीं समझा है तो फिर आप जो काम बात कह रहे हैं उसके लूप में फंस जाता है आदमी। तो हम लोग कल सम्मान की जब चर्चा करेंगे तब आपका प्रश्न और अच्छे से एड्रेस हो पाएगा। विजय भैया, विजय जी, इसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ, हो सकता है कल तक ही हुआ है ये, कि अधिकांशतः एक शहर में या जिस अपन परिवेश में हम साधारणतः रहते हैं, वहाँ कुछ लोगों के बीच ही अधिकांश संस्थाएं आसपास घूमती रहती हैं, मतलब वो कहीं भी पदों का इधर उधर वितरण भले ही होता रहता हो। दूसरा, जैसे कि अपन यूएचवी काम कर रहा है, मानव निर्माण के दृष्टि से अपन ले सकते हैं इसको, लेकिन अधिकांश संगठनात्मक स्थितियां ये समाज निर्माण या संगठन का विस्तार स्थिति बनती है, तो वो भी एक पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। धीरे धीरे जब समाज में चलेंगे तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, है ना, लेकिन समाज को भी देखेंगे तो समाज को भी तो समाज व्यक्तियों का ही समूह है। अगर व्यक्तियों के चेतना में विकास होगा तो सामाजिक चेतना अपने आप विकसित होगी, है ना। और पद को देखें ना, तो पद बेसिकली तो इस बात का इंडिकेटर है कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है ना। तो जिम्मेदारी तो एक व्यक्ति ले या 10 व्यक्ति ले, जिम्मेदारी लेने में समस्या नहीं होती, है ना। लेकिन जब हम उस पद को सिर्फ पहचान पाने के संदर्भ में लेते हैं तो सिर्फ पहचान पाने तक ही सोचते हैं, तब वो महत्वपूर्ण हो जाता है।
लेकिन अगर हम जिम्मेदारी के सेंस में हैं और कोई पद हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उस जिम्मेदारी में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बाधा थोड़े होती है, तो कर ही सकते हैं। तो गांव में जैसे प्रधान एक पद है, ग्राम प्रधान है ना, तो एक पद है, तो इसका मतलब उस गांव के विकास के अर्थ में वो व्यक्ति जिम्मेदारी से सोचेगा। लेकिन 10 लोग और जिम्मेदारी से सोच करके उसका कुछ सहयोग कर रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, तो वो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बाधा थोड़े है। लेकिन हाँ, जब हम उसको पहचान से जोड़ने लग जाते हैं कि भाई पद मेरे पहचान है, तो वो तो उस पद पे बैठा है, तो जितना करेगा उससे उसका पहचान बनेगा, और जितना मैं करूंगा उससे भी उसी का पहचान बनेगा, तो फिर ये मेरे लिए भी समस्या है और उसके लिए भी समस्या है। तो इस पर कल बात करेंगे, जब सम्मान और थोड़ा सामाजिक व्यवस्था पर बात कि आज जैसे गीता जयंती है और दो संगठन जैसे विवेकानंद केंद्र और अरविंद सोसाइटी दोनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और दोनों के कॉल इस दौरान बीच में आ भी रहे हैं, उनका कुछ नियत भी है, तो वहां पर मेरी प्रायोरिटी यही है कि ये कार्यक्रम में मैं संलग्न रहूं और इसको गहरी समझ के साथ समझूं। तो ये एक अभी था तात्कालिक इस। ठीक ठीक, तो प्रायोरिटीज तो हर व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही तय करेगा, और हम में से बाकी सभी लोगों के पास भी 4-6 काम तो होते ही है, पारिवारिक, सामाजिक और अन्य, लेकिन हम हर समय अपनी प्रायोरिटी तो स्वयं ही तय करेंगे। तो आप भी उसको तय कर ही रहे होंगे किसी न किसी एक अपने सेट ऑफ नियम के साथ। जी, तो अभी तक जितनी बात हुई है, अगर उसको देखें तो बात ये हुई है कि मानव में अगर व्यवस्था की बात करें तो आदमी की दो तरह की आवश्यकता है, सुख जैसे सम्मान इत्यादि, सुविधा कपड़ा घर इत्यादि। तो एक तरह की आवश्यकता तो बॉडी से जुड़ी है, दूसरे तरह की आवश्यकता स्वयं से जुड़ी है। स्वयं से जुड़ी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो निरंतर है, गुणात्मक है। बॉडी से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सामायिक है, मात्रात्मक है। स्वयं से जुड़ी हुई सारी आवश्यकता सही समझ और सही भाव से पूरी होती है, सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। जबकि शरीर की सारी आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, लेकिन जब हम इन भौतिक रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग स्वयं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगा देते हैं तो जिंदगी यहीं उलझ जाती है और मानव अव्यवस्थित हो जाता है, डिसहार्मनी में आने लग जाता है। तो जैसे आप देखेंगे, शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से कपड़ा खरीदने जाएं तो 500-1000 रुपए का अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन सम्मान पाने के लिए कपड़ा खरीदने जाएं तो 10,000 रुपए भी कम पड़ते हैं। तब ये जो 9,000 आप खर्चा कर रहे हैं कपड़े पे एडिशनल, है ना, ये तो इसी भ्रम के कारण कर रहे हैं। शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से ड्रॉइंग रूम में बैठने के लिए कुर्सियों का, सोफे का अगर आपको व्यवस्था करना हो तो एक तरह के दाम में 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 जो भी आप लगाते हैं उसमें व्यवस्था हो सकती है। सम्मान के नाम पर जब आप उसको करने जाते हैं ड्राइंग रूम में बैठने की व्यवस्था को, तो जो सोफे आप खरीदते हैं उसमें 2-2 लाख भी कम पड़ते हैं, 1-1 लाख भी कम पड़ता है। तो जो 80,000, 90,000 आप एडिशनल खर्च कर रहे हैं, ये सब तो वास्तव में इसी भ्रम के कारण कर रहे हैं कि इससे सम्मान हो जाएगा, और कर देने के बाद उसको चेक भी नहीं करते कि सम्मान हो रहा है या मात्र ध्यान मिल रहा है, और ध्यान सम्मान में बदल रहा है कि इससे हमें बदल जा रहा है। तो अब ठीक से देखेंगे तो अब वापस इसकी जांच परख करने की जरूरत है हम सबको कि हम अपने आय का कितना प्रतिशत हिस्सा वास्तव में शरीर की सही सही आवश्यकता को पहचान कर हमारा परिवार उसको पूरा करने में खर्च कर रहा है, और कितने प्रतिशत अपने आय का हिस्सा इस भ्रम में खर्च कर रहे हैं कि इस सुविधा से सम्मान हो जाएगा। तो ठीक ठीक पता लगेगा कि हमने इसको कितना समझा है। इस पर मैं 1-2 लोगों के ऑब्जर्वेशन को लेकर के फिर आगे बढ़ूंगा। जी भैया, नीलय जी राम पुरी जी, जी सर, जी नमस्ते भैया। नमस्ते सर, नमस्ते जी, नमस्ते। बताएं, बिल्कुल आवाज आपकी बिल्कुल बढ़िया आ रही है, आप बताएं जो चर्चा चल रही है मानव में व्यवस्था, सम्मान और
शरीर की व्यवस्था में और इस सब पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या प्रश्न? जी सर जी, बड़ा बड़ी प्रसन्नता है सर, बहुत अच्छे से डीपली आप बहुत समझा रहे हैं और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रश्न था सर मेरा जी कि ये शरीर की आवश्यकता और मेरी मेरी आवश्यकता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में था सर कि ये मेरी आवश्यकता मतलब मन की आवश्यकता या बुद्धि की आवश्यकता, इसको कैसे समझे सर? अभी तो ये कह रहे हैं कि सेल्फ की आवश्यकता, स्वयं की आवश्यकता को कैसे समझे सर कि ये स्वयं की है कि वही। तो जैसे सम्मान शरीर की आवश्यकता है कि आपके स्वयं की है, क्या लगता है? वो तो सर स्वयं भी शरीर से जुड़ा हुआ है ना सर, वही तो थोड़ा स्वयं और शरीर में वही अंतर तो नहीं जैसे हाँ हाँ उसी को कह रहे हैं कि उसको ठीक से देखेंगे तो जैसे भोजन है जी, तो भोजन स्वयं की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है सर? दोनों की आवश्यकता है सर, शरीर पोषित होगा तो उससे मन में विचार और ये सब बनेंगे सर, तो वो स्वयं की आवश्यकता भी होगा वही। तो उसको ठीक ठीक देखेंगे अभी कि भोजन भोजन से भाव बन रहा है कि भाव समझ या उससे बन रहा है जी, क्या लगता है? भोजन भाव को बनाता है या समझ के आधार पर या नासमझी के आधार पर कुछ भाव स्वयं में बना ही रहता है? नहीं, भोजन से भी भाव का निर्माण होता है सर, ऐसा हमारी समझ में ऐसा तो है। उसको ठीक से देखेंगे कि भाव का निर्माण होता है या भोजन से एक स्वाद आता है, स्वाद की सूचना स्वयं तक जाती है जी, स्वयं उसके आधार पर है ना, स्वयं में वही। तो उस भाव का निर्णय शरीर कर रहा होता है कि भोजन कर रहा होता है कि स्वयं कर रहा होता है कि क्या भाव हो स्वयं में, कौन कर रहा? नहीं, वो जैसे अपना स्वयं का जो भाव है उस भाव से ही व्यक्ति भोजन का चयन करता है, तो जो शरीर के लिए आवश्यक भोजन है उस भाव से ही वो भोजन का चयन करता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है। तो आप भाव को देखेंगे तो वो स्वयं से जुड़ा मुद्दा है जी, भोजन को देखेंगे तो वो शरीर से जुड़ा मुद्दा है जी, तो देखेंगे तो भाव की भी एक आवश्यकता है आदमी को, भोजन की भी आवश्यकता है जी, तो जो भाव की आवश्यकता है वो स्वयं की है जी, भोजन की आवश्यकता शरीर की है जी, ये कहें नहीं। वो आवश्यकताओं का जैसे अपन आकलन करते हैं, अगर विश्लेषण करना चाहे किसी अपने मन में कोई आवश्यकता का जन्म हुआ तो वो अपन थोड़ा सा पहचानने में कैसे अपन उसको करें कि ये स्वयं की आवश्यकता है या शरीर की आवश्यकता है, इसको तो पूरा किया जाना चाहिए। भौतिक रासायनिक वस्तुओं से जुड़ी हुई वो आवश्यकता है जी जी, तो वो तो शरीर से जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा जी सर, ये समझ सही भाव से जुड़ा हुआ है तो वो स्वयं जी, ये आधार ठीक है सर उसमें पहचान करने का जी। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, दुनिया और का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, मैं बोलूं जी? प्रशांत जी आप बोल लीजिए, फिर अर्चना जी के पास जाएंगे। नमस्ते प्रशांत जी, बताइए जी। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जैसे मान के चलिए आपने कहा कि आवश्यकता के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं मतलब उन लेकर के चलते हैं, अब एक व्यक्ति के यहाँ पर हम दो लोग जाते हैं, एक व्यक्ति जो संपन्न है कार से जा रहा है और अच्छी तरीके से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार जा रहा है सिंपल सा कपड़ा पहन करके और उस व्यक्ति के यहाँ पर जा रहे हैं। दोनों व्यक्ति सामने पहुंचते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है कि जो मतलब कार से आया है और ज्यादा एक्सपेंसिव है उसका सम्मान ज्यादा करता है, जबकि जो सिंपल आया है उसको पता है कि आवश्यकता हमारी इतनी ही है, तो वहां पर उसका सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तो इस पर हम क्या राय रखेंगे सर? जी जी, तो ये तो सामान्य होने वाली घटनाएं हम सब लोग आसपास देख ही रहे हैं ना, इसको थोड़ा ठीक से अगर आप विश्लेषित करेंगे तो दूसरा आदमी कपड़े या गाड़ी के आधार पर जो दे रहा है वो सम्मान दे रहा है या ध्यान दे रहा है, क्या लगता है प्रशांत जी? वही तो मैं मतलब उसका सम्मान ज्यादा कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके मतलब हाँ। मैंने पूछा कि वो सम्मान ज्यादा कर सम्मान दे रहा है कि ध्यान दे रहा है, क्या लगता है? दे तो ध्यान रहा है लेकिन दूसरे जो बगल में समक्ष खड़ा हुआ है उसको वो उसको सम्मान मान लेते हैं, वो उसको सम्मान मान लेते हैं, हम भी उसको मान लेते हैं, तो प्रॉब्लम एक खड़ी होती है, एक बात तो ये। अब दूसरी बात अगर आप ठीक से देखें तो किसी के घर पे कोई कार्यक्रम है ना जी जी, तो दो तरह के लोग उसके यहाँ आते हैं, एक तरह के लोग जो बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं, एक तरह के लोग जो गाड़ी से आ रहे हैं
और एक तरह के ऐसे लोग वो गाड़ी से आए ना आए, सुविधा से आए ना आए, लेकिन उसके कार्यक्रम में बहुत सहयोगी है। हर क्षण उसकी जो भी समस्याएं कार्यक्रम में खड़ी हो रही उसमें सहयोग कर रहे हैं, है ना। अब वो व्यक्ति जी प्रसाद जी, आपकी आवाज कट गई सर। हाँ, मैंने कहा कि दो तरह के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ एक तरह के लोग जो बहुत बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं लेकिन बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं कार्यक्रम के आयोजन, एक तरह के लोग जरूरी नहीं बहुत बड़ी गाड़ी से आए हों, है ना, मोटरसाइकिल से आए हैं या जैसे भी आए हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में सहयोग बहुत कर रहे हैं, कहीं भी कुछ अव्यवस्था खड़ी हो रही है तो आपके निर्देशानुसार वहाँ खड़े मिलते हैं और उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, जिम्मेदारी से प्रस्तुत होते हैं। आपकी दृष्टि में किसका सम्मान सस्टेन करता है लंबे समय तक? लंबे समय तक तो जो मतलब अपना सहयोग कर रहा है उसका सम्मान ज्यादा मतलब सस्टेन करता है, अपन जिंदगी उसके साथ जोड़ के चलाना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी देखें तो अपन चलते तो उसी से है, लेकिन भ्रम हो जाता है कि कहीं कोई ध्यान दे रहा है तो वो सम्मान है, और ध्यान तो गाड़ी से पाया जा सकता है, सम्मान तो दूसरे के साथ व्यवहारिक सहयोग से, कार्य के सहयोग से, जिम्मेदारी के सहयोग से ही सम्मान जो बनता है वो सस्टेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सम्मान के बारे अभी और बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू सर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा जी। अर्चना जी। जी सर, हेलो जी, बताइए अर्चना जी। नमस्कार, मैं झाबुआ से। नमस्ते, कल से आपके प्रोग्राम में हूँ सर, और मुझे बहुत ही मेरी समझ का भी बहुत विस्तार हो रहा है इसको सुन के। जी जी, कई सवालों का जवाब जो अभी तक नहीं मिल रहा था वो इसमें मिल रहा है मुझे बिना ही पूछे। जी सर, जी, मैं जानना चाह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि शरीर की आवश्यकता है तो हम स्वयं पूरी कर सकते हैं। जी जी, पर जो सेल्फ की मे की आवश्यकता है वो कुछ हद तक दूसरों पर भी निर्भर करती है। तो इसको है ना, हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि हमको मतलब अगर हम डिजर्व करते हैं तो वो हमको सम्मान का पाना है। थोड़ी आवाज कट गई है अर्चना जी, दोबारा से माइक को इनेबल करके अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लें। हाँ, अपनी माइक को अनम्यूट कर लें जी। अगर हम सम्मान के पात्र हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर करती है हमारी सम्मान की जो आवश्यकता है, और अगर कहीं उसमें कमी होती है तो हमारे सुख में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। वही ठीक बात। तो मैं थोड़ा सा इस पे इंडिकेट करके फिर कल आपके इस प्रश्न को और डिटेल में उत्तरित करूंगा, थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। तो जैसे हमारे भीतर सम्मान का भाव दो तरफ से आ सकता है, दूसरों से पाकर के या अपने समझ के आधार पर अपने में सम्मान सुनिश्चित करके, ये दोनों विकल्प हो सकते हैं या एक ही होगा। क्या ये दोनों विकल्प हो सकते हैं कि दूसरे हमको सम्मान का भाव दें और हमारी समझ के आधार पर हमें सम्मान का भाव हो, ये दोनों हो सकता है? हमें सम्मान का भाव है, सही है जी। तो दोनों ही हो सकते हैं कि दूसरे से भी हम पा रहे हैं और अपने समझ के आधार पर भी अपने में सम्मान का भाव बना रहे हैं, ये दोनों हो सकता है ना? हाँ जी सर, पर अगर दूसरे के आधार पर हमको सम्मान नहीं मिल रहा है तो कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर भी होता है ना सर? अंदर होता है, लेकिन अगर हमने सम्मान को समझ लिया है, है ना, और हमें सम्मान का भाव बना हुआ है, तो हम ये देख पाते हैं कि जो अभी तक सम्मान दे रहा था आज नहीं दे रहा, ये किसी कारण परेशान लग रहा है। तो क्या इसकी परेशानी को दूर करने में सहायक हो सकते हैं क्या? और अगर हम उसकी पर है ना, तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर अपने में सम्मान का भाव सुनिश्चित नहीं है तो हम दूसरे से सम्मान की भीख की अपेक्षा में ही खड़े रहते हैं, नहीं देता है तो व्याकुल हो जाते हैं, है ना। तो क्या हमारी जिंदगी हमेशा दूसरों से सम्मान की भीख मांगने वाली ही हो या सम्मान देने वाले भी हम बन पाए? सम्मान देने वाले भी सर। और वो बन सकते हैं, अगर समझ के आधार पर हमें सम्मान का भाव सुनिश्चित है तो हम दूसरों से सम्मान की भीख मांगने की जगह हम दूसरों का सम्मान देने वाले बन जाते हैं, और कई दिन जो सम्मान कर रहा है किसी कारण से आज नहीं कर पा रहा है, हम उसकी बेचैनी को समझ भी पाते, उसको आराम देने का भी कार्यक्रम बना पाते। बिल्कुल। तो कल करेंगे सम्मान पे जी आज। हाँ, अगला प्रश्न आप। जैसे घटना का होना हमारी अपेक्षा और उसका हमारी अपेक्षा से मैच नहीं होना जी,
मतलब हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है सर जी 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 अगर वो हमारे अपेक्षा से मैच नहीं हो रही है या हमारी समझ से मैच नहीं हो रही है तो हम अपना अगर उसमें कुछ नुकसान है तो ठीक है सहन कर सकते हैं, पर अगर किसी तीसरे व्यक्ति का, जैसे मैं एक विद्यालय का ही उदाहरण लूं सर, जी जी, दो टीचर के बीच में अगर तारतम्य नहीं है और उसमें बच्चों का नुकसान हो रहा है तो हमको वो प्रस्ताव के तौर पर ही बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए सर? वही तो ठीक से देखेंगे ना तो सॉरी ये जो ठीक से देखेंगे ना तो ये जो दो लोगों में झगड़ा हो रहा है या कहीं बाहर कुछ अव्यवस्था हो रहा है ना और अपेक्षा मैच नहीं कर रही है तो या तीन काम हम कर सकते हैं। एक काम तो प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हाँ। एक काम चुप होके बैठ सकते हैं, हाँ। एक तीसरा काम और कर सकते हैं कि हम जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत हो सकते हैं कि भाई ये सही है और इसमें आप भी जांच लीजिए सही लगता है कि नहीं, फिर इसमें हम लोग मिलके कैसा कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, प्रतिक्रिया कर लें, चुप रह जाएं या जिम्मेदारी से प्रस्तुत हो, ये तीनों में से कौन सा वाला सहज स्वीकार है? तीसरा वाला सर, जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत होना है ना। सामान्यतः जब हम प्रतिक्रिया कर देते हैं या अपने में चुप हो जाते हैं, प्रतिक्रिया कर देने से तो कई बार समस्या घट भी सकती है लेकिन ज्यादातर समय बढ़ जाती है ना। और चुप रह जाते हैं तो बाहर भले कुछ हो ना हो अंदर बहुत घुटन होती है। जी बिल्कुल है ना, तो इसलिए जिम्मेदारी तो बनती ही है कि वहां पर जो सही हम देख पा रहे हैं उसको व्यक्त करें है ना प्रस्ताव के तौर पर, और दूसरे को थोड़ा अवसर दे उसमें उसका सहयोग कर पाए, फिर धीरे धीरे वो उसको जब देखता है तो सहयोग करने लग जाता है, कई बार थोड़ा समय लग सकता है इसमें। तो जिम्मेदारी वाला तो सहज स्वीकार है, उसी से हम भी आराम में आ सकते हैं और बाहर भी व्यवस्था हो सकती है। जी सर बिल्कुल, चुप रह जाना तो कोई विकल्प है नहीं, देखिए इतना हाँ। हो सकता है कि ठीक है अभी थोड़ा ये लोग ज्यादा अव्यवस्थित है, आवेश में है, तो अभी थोड़े देर बाद बुला के कह लेंगे। बिल्कुल सर, ये सब तो हम उसमें एक्शन में अपने तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है भैया, थोड़ा आगे बढ़ने का। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जी सुषमा जी, नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते भाई साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी बीच में जब बात हुई थी आपने कहा था कि घर में बच्चे माँ बाप का सम्मान इसलिए नहीं करते कि घर कितना बड़ा है या वो कितनी बड़ी गाड़ी में दे रहे हैं या कितने खिलौने उनको दे रहे हैं, जबकि सम्मान उनको प्यार और ये सबसे मिलता है। मैं मुझे नहीं स्पष्ट हो रहा है ये। जी जी तो ठीक से देखेंगे ना तो जी दो दो प्रस्तुति दो स्थिति को देखें। एक स्थिति तो ये है कि बच्चा ये देख पा रहा है कि उनके माता पिता ने उनके सुख पूर्वक जीने के लिए क्या क्या किया है, कितना सहयोग किया है, कितना उनके लिए व्यवस्थाएं की है, कितना उनके साथ जिम्मेदारी से प्रस्तुत हो रहे हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो ये सब नहीं देख पा रहा, हाँ ये देख पा रहा है कि पिताजी कितनी बड़ी गाड़ी से उतर के आ रहे हैं। तो क्या दोनों स्थिति में बच्चे का व्यवहार पिताजी के साथ एक ही जैसा होगा कि अलग अलग हो सकता है? सर जहां तक मुझे लगता है कि मैं पर्टिकुलर अभी अपने आप को जब देख रही हूँ तो बच्चों में भाव ही नहीं समझ में आ रहा है कि जी, जी. वो तो जिए जा रहे हैं, उनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है तो वो उनका उपयोग कर रहे हैं। उनकी बच्चों में जो हम जब बड़े हुए हैं तो आज हमको उस चीज की वैल्यू पता है, उसका एहसास है, पर आज बच्चे बिल्कुल निश्चिंत है, उनको बिल्कुल, उसका बिल्कुल. समस्या मैं आपकी समझ रहा हूँ और बहुत सारे घरों में यह समस्या है। मैं इसका अगर उदाहरण शेयर करूँ तो पंजाब में हम लोग ये वर्कशॉप चला रहे थे एक बार जी। तो एक वहाँ महिला प्रोफेसर थी, एक वर्कशॉप में आई और फिर कुछ दिनों बाद वहाँ दोबारा ये वर्कशॉप हुआ, उसमें फिर आई। तो जैसे आपने बात दिलाया, उन्होंने भी इस बात को ध्यान दिलाया कि जब उन्होंने इस तरह से इस कार्यशाला को किया और बहुत सारा जो ध्यान गया उससे परिवार को मूल्यांकन करने लगे कि क्या हो रहा है परिवार में। तो जो बात आप कह रहे हैं कि एकदम मैकेनिकल से होते जा रहे हैं बच्चे, भाव वाला तो गायब होता जा रहा है, ऐसा उन्होंने भी महसूस किया और उसका उदाहरण भी बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरी घर में 2.5-3 साल की बच्ची है जी। मुझे ध्यान है कि जब मैं उसको पहले शुरू में जब मैं देखी जब वो बहुत छोटी थी और मैं ऑफिस आती थी
है ना, और छोड़ के जब ऑफिस से घर लौटती थी, ऑफिस से शाम में, तो बच्ची कहीं भी खेल रही होती थी, आके मुझसे चिपक जाती थी एकदम, है ना, बिल्कुल पहुंच भर लेती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि उस बच्ची का व्यवहार बदल गया है, कि वो जो है वो अब दौड़ के आती तो है लेकिन पहले की तरह हमसे चिपकती नहीं है, दूर खड़े होके पूछेगी खिलौना लाई, चॉकलेट लाई, अगर मैं लाई हूं तो खेलने खाने में व्यस्त हो जाएगी, और नहीं लाई हूं नाराज होकर दूसरे कोने में बैठ जाएगी। लेकिन जिस भाव से पहले आके मुझसे चिपटती थी अब नहीं चिपटती। तो वो बोली कि मैं देखने लगी कि साल भर में बच्ची इतना सूखापन आता जा रहा है, भाव से दूर जाती जा रही है, सुविधाओं से चिपकती जा रही है, ये 20 साल की होगी तो मेरी इसकी जिंदगी कैसे चलेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो सोचने लगी, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत मंथन किया कि आखिर बच्ची में बदलाव कब आया और क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान गया कि ये बदलाव इसमें कब आया और कैसे आया। उन्होंने कहा कि मेरे को ध्यान ये गया कि जब मैं इसको सुबह सुबह ऑफिस छोड़ के जाती थी ना मेड सर्वेंट के पास, सुबह ऑफिस जाती थी तो घर में छोड़ के जाती थी मेड के पास, आया के पास, तो वो बहुत रोती थी शुरू में कि मत जाओ मत जाओ। तो मैं कहती थी उससे कि बेटी चुप हो जाओ, है ना, इनके साथ आंटी के साथ खेलना, है ना, ये ध्यान रखेंगे तुम्हारा, मैं शाम में आऊंगी तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी, मैं शाम को आऊंगी तो तुम्हारे लिए खिलौना लाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मैंने उसको इस तरह से शिफ्ट कर दिया, पहले तो वो बेसिकली रो तो मेरे लिए रही थी ना, बिल्कुल सही बात, हाँ, मैंने उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, चॉकलेट पे और खिलौने पे। तो बच्चा तो भाव संबंध को ही प्राथमिकता दे रहा था, हमने अपनी मजबूरियों के कारण उसको शिफ्ट कर दिया सुविधा पे कि किसी तरह से हमारा जो काम है वो चलता रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान गया समस्या पे कि उसके अंदर सूखापन लाने की जिम्मेदार तो मैं ही हूं। तो उन्होंने कहा कि उपाय क्या निकाला जाए, तो उनका ध्यान गया कि मैं उसका उपाय भी निकाल सकती। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि अब जब सुबह जाती थी छोड़ के ना मेड सर्वेंट के पास, रोती तो वैसे ही थी, उसको बोलती थी कि तुम, मैं शाम में आऊंगी तब तुम्हारे साथ खेलूंगी, क्या खेलना है तुम सोच के आना। ये ऑफिस से आती थी थकी हुई आती थी, 8 घंटे 10 घंटे, मतलब 8 घंटे जॉब, 2 घंटे की आना जाना ड्राइव, 10 घंटे के थकाव के साथ आती थी वो, है ना, थकावन के बावजूद भी उस बच्ची के साथ 10 मिनट 15 मिनट जरूर खेलती थी। मेड सर्वेंट को कुछ बनाने के लिए निर्देश देना है तो खेलते खेलते दे देती थी। अब धीरे धीरे बच्ची के व्यवहार में फिर बदलाव हुआ, है ना, अब वो दौड़ के आती, बच्ची भी दौड़ के आती थी और आके बच्ची से, माँ से एकदम चिपक जाती थी और 4-6 खेल सोच के रखे रहती थी, है ना, वापस धीरे धीरे बेटी में वो जो भाव का सूखापन था वो धीरे धीरे भरने लगा। अभी क्या हो गया ना हम लोग की जिंदगियों में कि हम चाहते तो भाव है लेकिन सोचते हैं कि सुविधा का इन्वेस्टमेंट करें रिटर्न में भाव मिले। इज इट पॉसिबल? नो, इज पॉसिबल नहीं है। अभी माँ बाप को भी देखेंगे ना तो सोचते हैं बच्चे की जिंदगी बनाने में खूब सुविधा लगा दे लेकिन बुढ़ापे में हमको सुविधा भी दे और भाव भी दे। बुढ़ापे में वो भी सुविधा ही लौटाता है, भाव लौटाने का समय और वक्त उसके पास भी नहीं होता। अगर हम दोनों पक्ष को पूरा कर पाते हैं, सुविधा और भाव को, वो भी उसको लौटा पाता है। तो अभी बहुत देखेंगे, संतोष मिला, बहुत संतोष मिला आपकी बातों से जी। बहुत अंतर मन में द्वंद हमेशा ही चलता है और भाग्यशाली हूँ कि आज बहुत सारे प्रश्नों का मन भर आया भैया। बहुत संतोषजनक उत्तर है और जीवन को चलाने में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मशीनीकरण के साथ साथ हम स्वयं को कहाँ छोड़ आ रहे हैं, हम अपनी प्रकृति प्रवृत्ति सब गड़बड़ा रहे हैं। बहुत सुंदर आप लोगों का प्रयास है मानव मूल्यों के लिए, ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत आभार आप सबका। जी दीदी, और हम सब लोग को मिलकर इसको समझना भी है, अपने परिवारों के लिए भी पूरा करना है और धीरे धीरे दूसरे भी इस बात को समझ पाए कि सुविधा और भाव दोनों का पूरा होना आवश्यक है, सिर्फ एक से परिवार या जिंदगी नहीं चलती। ये बात तो बिल्कुल, और भी कुछ ऐसा ही है जी कि इन दोनों जरूरतों को पूरा करने में प्राथमिकता क्या है, ज्यादातर समय कहाँ लगाते हैं,
भी पूछा गया दूसरे पार्टी में कि मैं ज्यादातर समय कहाँ पे लगता हूँ, मुद्दों को ठीक करने में भावपूर्वक जीने के लिए प्रयासरत हूँ या सुविधा में ज्यादा लगाता हूँ। बिल्कुल, तो उनको भी आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे चर्चा हुई उस चर्चा से संबंधित है, तो खुद में रिफ्लेक्ट करें कि आवश्यकता किसकी ज्यादा है, प्राथमिकता किसकी है। जी जी, श्रीमती ज्योति गंगराड़े जी का भी हम लोग इस पर व्यू ले लेते हैं। जी जी जी, ज्योति जी, तब तक जी सलेन सिंह जी भी उपलब्ध हैं, इन दोनों लोगों में से जो लोग भी उपलब्ध हैं उनका व्यू ले लेते हैं। जी निलय कुमार जी भी हैं, तब तक इनका व्यू भी ले लेते हैं जो बात हुई है उस पर। जयप्रकाश जी ने भी हैंड रेस्ट किया है। जी जी, ले लीजिए। जहाँ तक बात चली है जीवन में सुविधा और भाव का संतुलन बना रहना चाहिए, इसी बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब हमको बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा कि कितनी सुविधा और कितना भाव, क्योंकि हमको जीवन को तो आगे बढ़ाना, क्योंकि हर पल या हर दिन या हर स्थिति में ये चीजें आपस में इनका तालमेल बदलता रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसको कैसे सामंजस्य बिठाया जाए कि कैसे हम इसको आगे तक ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी ठीक से देखेंगे ना भैया। तो जो भाव वाला मुद्दा है ना, तो हम एक दूसरे का सुविधा में सहयोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, भाव को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि बिना भाव को ध्यान में रख के कर रहे हैं, इतना ही मुद्दा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हम भाव के लिए कोई अलग से आयोजन करेंगे तब ट्रांसफर होगा, है ना। तो हम माता पिता को भोजन तो दे ही रहे हैं, ममता के भाव के साथ परोसते हैं तो माँ बाप को एक तृप्ति होती है, है ना। लेकिन वो भाव कृतज्ञता का भाव नहीं रहता अपने अंदर तो वो नहीं व्यक्त कर पाते। तो भाव को व्यक्त करने के लिए सिर्फ भाव का समझ होना और उस पर ध्यान होना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने पीछे अभी उदाहरण शेयर किया कि माँ और बेटी में दूरी बढ़ती जा रही, तो ऐसा थोड़े कि माँ को बहुत बेटी के साथ उस दूरी को खत्म करने के लिए दो चार दिन का कुछ आयोजन करना पड़ेगा। वो तो सामान्य अपने जीने में उस भाव पर ध्यान दे देना और थोड़ा बदलाव कर लेना जिससे भाव कम्युनिकेट हो जाए, उतने भर से हो जाता है, है ना। तो वो संभव हो सकता है, अगर समझ में नहीं आया, ध्यान नहीं गया, तो हमको बड़े बड़े उपक्रम करने पड़ते हैं, फिर भी नहीं पूरा हो पाता है। बढ़िया, आगे बढ़े आरपी सिंह भैया। जी 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 बिल्कुल जी। तो पोल का भी निष्कर्ष आ गया है, तब तक अगर कोई एक लोग का और हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी भैया, मिले जी के पास विजय कुमार मेवाड़ा जी ने भी माइक प्राप्त किया है। विजय भैया सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, आज की जो विजय भैया फिर से अनम्यूट कर लें आप खुद को, म्यूट हो गए हैं, एक बार फिर से अनम्यूट करिए विजय भैया। भैया मीटिंग में विजय जी नहीं दिख रहे अभी, आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। विजय भैया, विजय कुमार मेवाला जी, कोई बात नहीं, चलिए फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, भैया बिल्कुल आगे बढ़ा लीजिए, फिर बात करेंगे जी। तो हम लोग ही विजय सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताएं। हाँ सर, आज की बात से ये विजन तो क्लियर हुआ कि पहले मेरा जो दृष्टिकोण था, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मतलब किन चीजों के लिए, भौतिक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जी रहे थे और कैसे जीना है, ये एक समझ आज आपकी बातों से विकसित हुई। और एक साथ ही एक दिमाग में विचार भी है सर कि मतलब स्वयं पे काम करने के साथ में थोड़ी जो भौतिक संसाधन है उनकी भी आवश्यकता है व्यक्ति को होती है। अगर सामान्य जीवन में हम लोग देखें तो जो लोग सूटेड बूटेड हैं और अच्छे दिखाई दे रहे हैं उनको सम्मान, चाहे बाहरी सम्मान बोल दो उसको, ज्यादा मिलता है। मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो किसी एसी कोच में या स्लीपर में, और वहाँ कोई गरीब आदमी आकर बैठ जाता है तो हम सभी असहज हो जाते हैं कि हमारा कोई सामान नहीं चुरा कर ले जाए या ये कोई हमारा नुकसान नहीं पहुँचा दे। वो व्यक्ति एक गरीब आदमी है, उसे सीट नहीं मिली है, वो
मजबूरी में हमारे कोच में आया है और हम लोग उसे हमारा दुश्मन समझ लेते हैं, जो कि मतलब अनजान व्यक्ति है हमारे लिए। तो ऐसा भाव मतलब समाज में है, तो कहीं ना कहीं इस पे सभी को काम करने की आवश्यकता है सर। तो मैं ये चाहूँगा कि यही जानना चाह रहा था कि इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जी जी, तो जैसे आपका प्रश्न शोषण को लेकर के है, अभी क्या लगता है कि आज के दिन ज्यादातर जो शोषण लोग कर रहे हैं, अनपढ़ लोग अधिक शोषण कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं? सर, पढ़े लिखे लोग ज्यादा कर रहे हैं। उसमें भी छोटे पदों पे बैठे ज्यादा कर रहे हैं कि जो ज्यादा बड़े पदों पे बैठ गए वो ज्यादा कर रहे हैं? जो बड़े से बड़े पदों पर बैठे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं सर। कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे देखेंगे, है ना। तो बहुत सारा बदलाव तब हमको अपनी मानसिकता में भी करने की आवश्यकता है, जो मान्यताएं हमने बना ली है। जी जी सर, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मतलब जो लोग अच्छे सुखी संपन्न है, वो अगर कोई गरीब आदमी या कुछ उनसे टच भी हो जाता है, तो वो दो बार स्नान करने की सोच रखते हैं कि मुझे अब नहाना पड़ेगा। मतलब आदमी से आदमी की जो बढ़ती हुई दूरियां हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में अविश्वास पैदा कर रही है। ठीक बात है, इसलिए मानव को समझ लिया जाए, और मानव को समझने जाते हैं तो समझ में आता है कि मानव में दो तरह की वास्तविकता है, सेल्फ और बॉडी दोनों। और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, पूरा करने का तरीका अलग अलग है, और दोनों का पूरा होना जरूरी है। एक हो दूसरा छूट जाए, दूसरा हो पहला छूट जाए, तो मानव की अव्यवस्था निश्चित है। मानव के व्यवस्थित जीने के लिए दोनों की आवश्यकता को पहचान कर उसी विधि से दोनों का पूरा होना आवश्यक है। ये बात ठीक लगती है आपको? जी बिल्कुल सर, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब कहा जाए तो अब ज्यादा खुद पे काम करने की आवश्यकता है और शरीर तो सेकेंडरी है मान के चलिए। बिल्कुल, लेकिन आवश्यक तो वो भी है। आवश्यक वह भी है, वह भी है, दोनों में किसी को छोड़ नहीं सकते। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा बात आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। जी जी, धन्यवाद। तो ये बात तो आवश्यकता को लेकर के हुई, अब थोड़ी क्रिया को लेकर के भी बात कर लेते हैं कि शरीर और सेल्फ की क्रियाएं कैसी हैं। तो देखेंगे तो शरीर की कुछ क्रियाएं हैं, स्वयं की भी कुछ क्रियाएं हैं, है ना। तो शरीर की क्रिया को अगर देखें तो जी, तो शरीर की क्रिया जैसे आप देख रहे हैं ना, चलना, खाना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, है ना। दौड़ना, टहलना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं। लेकिन आप इच्छा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, ये शरीर की क्रिया नहीं है, ये स्वयं की क्रिया है, है ना। तो इच्छा किसे हो रही है? इच्छा हाथ पैर नाक कान को नहीं हो रही, इच्छा सेल्फ में हो रही है, विचार सेल्फ में हो रहा है, आशा सेल्फ में हो रही है, तो ये सब सेल्फ की क्रियाएं है, है ना। चलना, खाना, बात करना, टहलना, ये सब शरीर की क्रियाएं। शरीर की क्रिया को देखेंगे तो जिस तरह से शरीर की आवश्यकता सामायिक है, वैसे शरीर की क्रिया भी सामायिक है। जिस तरह से शरीर की स्वयं की आवश्यकता निरंतर है, वैसे ही स्वयं की क्रिया भी निरंतर है। तो आप लगातार खा नहीं सकते, लगातार टहल नहीं सकते, लगातार दौड़ नहीं सकते, एक समय के बाद इसमें विराम लगाते हैं आप, लेकिन इच्छा आपकी निरंतर कोई ना कोई बनी रहती है। उस अर्थ में कोई ना कोई विचार चलता रहता है, उस अर्थ में कोई ना कोई आशा आप में बनी रहती है, है ना, ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन मेरे तरफ से दोनों बातें प्रस्ताव है, आप थोड़ा ध्यान दे के अपने भीतर जांचिए कि ऐसा कोई क्षण आता है जब आप कोई इच्छा ना हो, या कोई ना कोई इच्छा आप में हमेशा बनी ही रहती है। इच्छा का विषय बदल सकता है, विचार का विषय बदल सकता है, लेकिन विचार रुक नहीं सकता, इच्छा रुक नहीं सकती, इच्छा विचार चलता ही रहता है। इसको थोड़ा देखना शुरू करें, आज और इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे डिटेल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, तो दो बातें और ध्यान में आती है कि जैसे शरीर है ना, शरीर में दो तरह की निर्वाह करने का, रिस्पॉन्स करने का प्रक्रिया चलता है, दो क्रियाएं चलती हैं उस संदर्भ में, एक पहचानने का और दूसरा निर्वाह करने का। तो शरीर खुद भी बिना सेल्फ के, इन्वॉल्वमेंट के, बहुत सी चीजों को पहचानता है और वैसा निर्वाह करता है, है ना। तो जैसे आप भोजन खाते हैं तो शरीर उसमें अपने लिए आवश्यक तत्वों को पहचान लेता है और उनको पचा लेता है, बाकी को निकाल देता है।
तो ये शरीर और खाए गए भोजन के बीच में पहचानना निर्वाह करना स्वतः ही चल रहा है। हमारे सेल्फ को उसमें जाकर के चिन्हित नहीं करना पड़ता है कि ये पहचान के रखो, इसको निकाल दो, है ना। ऐसे आप देखेंगे ना, कहीं आप बैठ रहे हैं, कहीं खड़े हैं, और कोई नुकीली सुई है वहां या कील है, और आपने जोर दे दिया अपने शरीर को, वो नुकीली है, शरीर से हार्ड है, तो शरीर में चुभ जाती है। तो शरीर और सुई खुद ही अपने आप में पहचानना निर्वाह उनमें हो जा रहा है। आपके सेल्फ को इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता कि सुई चुभो सुई मत चुभो, वो शरीर खुद ही पहचान लेता है। शरीर से नुकीली है हार्ड है तो चुभा लेता है, नुकीली नहीं है हार्ड नहीं है तो नहीं चुभने देता। तो शरीर और अन्य बहुत सारी बाहरी इकाइयों के साथ शरीर का खुद ही पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, लेकिन स्वयं में देखेंगे तो स्वयं में भी पहचानना निर्वाह करना चलता है। तो जैसे कोई सुई लगा रहा है आपको, इंजेक्शन दे रहा है, तो इंजेक्शन और बॉडी में तो पहचानना निर्वाह करना वैसा ही होगा, लेकिन आप इंजेक्शन लगाने वाले का सहयोग करेंगे कि विरोध करेंगे, ये मानना पे निर्भर करता है। अगर आपने उसको डॉक्टर मान रखा है तो आपके स्वयं के पहचानने निर्वाह करने में आप उसका सहयोग करने लगते हैं, ठीक है भाई लगा दो। लेकिन वही सुई कोई ऐसा आदमी लगा रहा है जो आपका विरोधी है, आपका शत्रु है, वो जब लगाता है तब आपका पहचानना निर्वाह करने में सहयोग की जगह विरोध आ जाता है। तो आपके सेल्फ में क्या होगा पहचानने निर्वाह करने में, वो आपके मानने पे निर्भर करता है। लेकिन शरीर के स्तर पर देखें, चाहे विरोधी लगा है चाहे डॉक्टर लगा है, दोनों ही हालत में सुई तो अगर नुकीली है और हार्ड है ना, तो शरीर में चुभेगी, लेकिन आपका स्वयं उसका सहयोग करेगा या विरोध करेगा, ये स्वयं के मानना पर निर्भर करता है। तो स्वयं में तीन क्रियाएं दिख गई, मानना पहुंचाना निर्वाह करना। आगे देखेंगे तो जानना भी एक क्रिया है। तो जैसे आप अपने बारे जानना चाहते हैं, पेड़ के बारे जानना चाहते हैं, सूरज के बारे जानना चाहते हैं, चंद्रमा के बारे जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे जानना चाहते हैं। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, या तो जान करके माने या बिना जाने मान लें। तो दो विकल्प है आपके पास, या तो जान करके माने या फिर बिना जाने मान ले। बिना जाने मानने पर खतरा ये है कि आज कुछ और मानते हैं, कल कुछ और मान लेते हैं, परसों कुछ और मानते हैं, बदलता रहता है, और जितना ये बदलेगा उतना हमारा पहचानना निर्वाह करना भी बदलता रहता है। तो हमारे आचरण में अनिश्चितता आ जाती है। जब जान करके मान लेते हैं तो निश्चित हो जाता है मानना, तो फिर पहचानना निर्वाह करना भी निश्चित हो जाता है और हमारे आचरण में निश्चितता बनी रहती है ना। तो आप खुद ही तय कर सकते हैं, आप जान करके माने ये आपको सहज स्वीकार है, या बिना जाने चीजों को मानते रहे ये सहज स्वीकार है। तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूं चैट विंडो पर, जिनको लगता है जान के मानना सहज स्वीकार है वो वन टाइप कर दे, और जिनको लगता है बिना जाने मान लेना सहज स्वीकार है तो वो टू टाइप करते जी। तो आपको जो उत्तर आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि हमें से अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि जान करके मानना सहज स्वीकार है ना। तो उसके लिए थोड़ा होश में तो रहना ही पड़ता है, अपने विचारों को लेकर, सुनने वाले प्रस्तावों को लेकर, कि मैं उसकी जांच परख कर रहा हूं कि नहीं, बिना जाने तो चीजों को नहीं मान रहा। तो ये चार क्रियाएं हमारे भीतर है, जानना मानना पहचानना और निर्वाह करना। इसको थोड़ा और आगे मैं फैला दूं, इस पर कभी बाद में बात करेंगे, अभी और आगे थोड़ा फैला दूं। तो ये जो जानना मानना का क्रिया जिन जिन इकाइयों में है उन्हीं को कह रहे हैं चैतन्य इकाई, और जिनमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करने की क्रिया है इसको कह रहे हैं जड़ इकाई। तो जैसे शरीर में सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है इसलिए ये जड़ इकाई है ना। सेल्फ में देखेंगे तो पहचानना निर्वाह करने के साथ साथ जानना और मानना भी है, इसलिए ये चैतन्य इकाई है। तो अगर हम अपने आप को देखें तो हम जड़ और चैतन्य दो चीजों के सह अस्तित्व में मानव रूप में है, दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, उनके पूर्ति का तरीका अलग अलग है। तो चैतन्य की आवश्यकता पूर्ति चैतन्य क्रियाओं से, जड़ की आवश्यकता पूर्ति जड़ से। तो हम चैतन्य और जड़ दोनों के सहअस्तित्व के रूप में है। तो मानव को देखें तो मानव की आवश्यकताएं सेल्फ और बॉडी की अलग अलग है, पूर्ति का तरीका अलग अलग है, क्रियाएं अलग अलग है,
एक समय में सामायिक है, दूसरा समय में निरंतर है, तो जो निरंतर है ये चैतन्य है और जो निरंतर नहीं है वो जड़ है। तो जड़ और चैतन्य दो चीजों के सहअस्तित्व के रूप में मानो है, दोनों की आवश्यकता उस विधि से पूरा होना आवश्यक है ना? तो धीरे धीरे इस बात पर जब ध्यान जाता है तो हम और चीजों को भी देख पाते हैं कि जो सेल्फ और बॉडी के बारे हम लोगों ने आज अध्ययन किया, क्या लगता है ये बच्चे और बड़े के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? जिनको लगता है ये बच्चे और बड़ों के लिए एक जैसा होगा वो वन टाइप कर दें, जिनको लगता है बच्चे और बड़े के लिए ये दोनों अलग अलग होगा वो टू टाइप कर दें। तो थोड़ा कुछ लोगों से अब इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा है, कुछ लोग माइक ऑन कर सकते हैं। ज्योति जी, कुमार जी, जी, तो जो लोग भी उपलब्ध है, ज्योति जी, निलय जी, है ना, क्या लगता है? जी सर, नमस्ते। फॉर बॉडी के बात की, ये बच्चे और बड़े के लिए अलग अलग होगा एक जैसा होगा? जी धर्मेंद्र जी। सर ये बच्चों और बड़ों के लिए एक ही होगा सर, की होगा है ना, उनमें भी ये निरंतर आवश्यकता होगी, निरंतर उसका वो सब होगा, ये टेम्परेरी होगा है ना? जी 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 सर। लगता है बच्चे बड़ों के लिए एक जैसा होगा अलग अलग होगा? सर एक जैसा ही होगा ना। ज्योति जी से पूछ रहा हूँ, ज्योति जी भी हम लोग के साथ उपलब्ध थी, ज्योति गंगराड़ी जी, निलय कुमार जी, क्या लगता है आप लोगों को, ये एक जैसा होगा अलग अलग होगा? जी तो देखेंगे। तो जैसे ये सुविधाएं हैं है ना, जी राकेश जी, जी राकेश जी, क्या लगता है एक जैसा होगा बड़े और बच्चों के लिए अलग अलग होगा? भैया मैं असल में मैं जहां समझ पाया मैंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया है, मैंने अलग अलग को रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि जहां बात समझ की आई है, जब तक समझ सही नहीं आएगी तब तक बच्चों में और बड़ों में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन समझ की आवश्यकता, समझ से ही सेल्फ की आवश्यकता पूरी होगी, समझ और सही भाव से सेल्फ की आवश्यकता पूरी होगी, ये बात बच्चे के लिए और बड़े के लिए दोनों के लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? अगर बच्चों में समझ की स्तर देखेंगे तो बच्चों का समझ का स्तर अलग होगा। और स्तर समझ का स्तर अलग अलग होना एक अलग बात है, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये कि स्वयं की आवश्यकता सही समझ सही भाव से पूरी होगी, ये बड़े के लिए भी और बच्चे के लिए भी ये दोनों के लिए इसी विधि से पूरी होगी कि इसमें कुछ अलग अलग है? नहीं, होना तो एक जैसा ही चाहिए फिर। एक जैसा, बाकी ये बात ठीक है आपकी, समझ का स्तर अलग अलग हो सकता है, एक उम्र के लोगों को भी समझ का स्तर अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन स्वयं की आवश्यकता सही समझ सही भाव से पूरी होगी, ये तो सब में एक ही जैसा होगा ना? सब में जैसा होगा, भी जो स्वयं की इच्छा विचार आशा की क्रिया है, बच्चे में बड़े में एक ही जैसा चलेगा निरंतर, या किसी में निरंतर होगा किसी में रुक रुक के चलेगा? स्वयं की आवश्यकताओं के लिए, हाँ हाँ, स्वयं में इच्छा विचार सभी में निरंतर ही चलेगी या बच्चों में रुक रुक के और बड़े में निरंतर? नहीं, दोनों में कैसे चलेगी? में कैसा चलेगी है ना? तो देखें तो ये जितनी बात हो रही है ना मैं के बारे और बॉडी के बारे, ये बच्चे और बड़े में एक ही जैसा है ना? जी, उसमें कंटेंट क्या चल रहा है, सही समझ का कंटेंट क्या है, क्रिया का इच्छा का कंटेंट क्या है, वो अलग अलग हो सकता है लेकिन चलेगा तो निरंतर दोनों में। स्त्री पुरुष में अलग अलग होगा कि एक जैसा होगा धर्मेंद्र जी? सर वो तो दोनों में एक ही जैसा होगा, जैसा होगा है ना? हिंदू मुस्लिम में एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, ये बात? सर मानव संविधान में सब एक जैसा ही होना है, विचारधारा सब जी, एक जैसे। इसलिए कह रहे हैं कि जितना अध्ययन हम लोगों ने ये किया ना इसको, ये मानव का यूनिवर्सल स्टडी है जो हर उम्र हर लिंग हर संप्रदाय सबके लिए एक जैसा है। जी सर, जी, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जितनी बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए ये एक जैसा है इसीलिए इसको कह रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज,